नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। बात करेंगे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट की। दरअसल 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का संदेश दिया और इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाते भी नजर आए। उन्होंने सिर्फ झाड़ू इसलिए लगाई कि वो लोगों को एक संदेश दे सकें और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें उनकी सादगी की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मार्क रट की जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, उसमें मार्क रट पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वही खबर के मुताबिक पार्लियामेंट के गेट से जब बाहर निकल रहे थे मार्क रट, तो उनके हाथ में कॉफी का कप था जो अचानक से नीचे गिर गया। उसके बाद फौरन मार्क रट ने वो कप उठा लिया और पोछे से उसे पूरा साफ भी किया, जिसकी एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इस दौरान वहां मौजूद हाउस कीपिंग स्टाफ ने भी मार्क रट की जमकर तारीफ की, उनके लिए तालियां भी बजाई और इसका पूरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जमकर मार्क रट की तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहां लोग मार्क रट की तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और अलग अलग तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, तो वहीं अब कई लोगों के कमेंट ऐसे भी हैं कि इनसे देश के राजनेताओं को कुछ सीख लेनी चाहिए, देश के बड़े लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि मार्क रट भी देश के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और उनके हाथ से कॉफी का कप फर्श पर गिर गया, जिसके बाद उन्होंने उसको साफ भी किया। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।